हेलो दोस्तों, अगर आप मैकबुक पहली बार यूज़ कर रहे हो या फिर आप विंडोज़ से मैक पे स्विच कर रहे हो तो आई नो आपको बहुत सारी दिक्कत आ रही होगी। तो घबराने की बात नहीं है क्योंकि आपके साथ मैं हूँ। मैंने आपके लिए एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखा है। हालांकि अभी इस प्लेलिस्ट में सिर्फ एक ही वीडियो है, बट आने वाले दिनों में यहाँ पे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये मैकबुक ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स इन हिंदी है। सिमिलरली अगर आपको विंडोज़ में कोई इशू आएगी ना तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, विंडोज़ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। ओके, यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से आप देख सकते हो। सो फिलहाल बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो मैं आप लोगों को दो तरीका बताऊंगा, दो तरीका अपने पास जानने के लिए, सिस्टम की इंफॉर्मेशन या फिर हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन, सीपीयू इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ अपन जानने वाले हैं। तो पहला नंबर तरीका होता है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू, एंड दूसरा है टर्मिनल के थ्रू। अपन कमांड कुछ एग्जीक्यूट करेंगे एंड वहाँ से अपन को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहला अपन जीयूआई के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो एप्पल की लोगो है ना, इस पे आप सिंगल क्लिक करो, एंड अगेन अबाउट दिस मैक पे आप सिंगल क्लिक करो, देन आपको सेट आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल ये आपकी वर्सन कौन सी वर्सन है, एंड मैकबुक एयर है मेरी, मैं यूज़ कर रहा हूँ, कितने इंच की है, कौन से ईयर की मॉडल है, प्रोसेसर क्या है, मेमोरी कितनी है, ग्राफिक्स एंड सीरियल नंबर एंड ऑल। डिस्प्ले में आपको कितने इंच की डिस्प्ले वो आपको दिखा देगी, एंड स्टोरेज में आपको टोटल स्टोरेज दिखा देगी, ये कैलकुलेट करेगी, ये सेग्रीगेट करने वाली है। ठीक है, मतलब आप कितना डॉक्यूमेंट कितने आप स्टोर कर रखे हो, एप्लीकेशन कितनी GB ये यूज़ कर रही है, वो सब कुछ ये सेग्रीगेट पार्टीशन करके आपको दिखाएगी। ठीक है, एंड सिमिलरली आप सपोर्ट वाली टैब है, सपोर्ट में आप सपोर्ट ले सकते हो, मैक से रिसोर्सेज है, मतलब आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप रिसोर्स वाले टैब में आके वहाँ से हेल्प ले सकते हो। देखो यहाँ पे ये इसने सेग्रीगेट कर दिया, डॉक्यूमेंट की है, ऐप की है, देन फिर सिस्टम डेटा की इतनी इतनी स्टोरेज है। ठीक है, ये सब कुछ लिख दे रहा है। सपोर्ट में भी आप आके देख लो सपोर्ट में क्या चीज़ है, ये सब कुछ सपोर्ट आपको मिलेगी, गेट सपोर्ट। एंड सिमिलरली रिसोर्सेज में आप अगर इस पे क्लिक करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो ये थी एक तरीका। दूसरी तरीका आपको टर्मिनल के थ्रू बताऊंगा, तो इसको मैं करता हूँ क्लोज। टर्मिनल आपको कैसे ओपन करनी हो मैं आपको बताता हूँ। आप कमांड और स्पेस बार, ठीक है, आप एक साथ प्रेस करो, कमांड और स्पेस बार जो लंबी वाली बार होती है उसको आपको क्लिक करनी है, एक साथ प्रेस करो। एंड यहाँ पे आप लिखो टर्मिनल, ऑलरेडी मैं लिख रखा हूँ बट अगेन मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ टर्मिनल। तो टर्मिनल जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पे टर्मिनल आ जाएगी, उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना है। मेरी टर्मिनल ऑलरेडी ओपन है तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं ओपन आई मीन क्लिक किया तो यहाँ पे टर्मिनल मेरी ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपनी हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन। देखो टर्मिनल में आप उससे ज़्यादा देख सकते हो, जो भी आपने GUI पे देखा ना उससे ज़्यादा आप टर्मिनल पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम प्रोफाइलर, ठीक है, SP हार्डवेयर डेटा टाइप। ओके, देखो ये चीज़ गाइस केस सेंसिटिव है, आप ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ कैपिटल या स्मॉल कर दे रहे हो, जैसा मैं लिख रहा हूँ आपको भी ऐसा ही लिखना है। ठीक है, केस सेंसिटिव है, किसी भी चीज़ को आप स्मॉल मत कर देना जो है, एंड किसी भी चीज़ को आप कैपिटल मत कर देना। ये टी कैपिटल है तो आपको टी कैपिटल रखना है, वाई स्मॉल तो वाई स्मॉल रखना है, हिट एंटर करना है। तो देखो यहाँ पे हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गया, मॉडल नंबर क्या है, मॉडल 95, प्रोसेसर स्पीड, कैश मेमोरी, मेमोरी कितनी है, 8 GB मेमोरी है, हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग। ये आपको हार्डवेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आपको सॉफ्टवेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो देख सकते हो, अदर इन्फॉर्मेशन तो आप वो देख सकते हो, लेकिन आप कैसे स्पेसिफाई करोगे कि मुझे क्या टाइप करना है। ठीक है, सिस्टम प्रोफाइल है तो आपको टाइप करना ही करना है, उसके अलावा आपको ये चीज़ आप कैसे स्पेसिफाई, कैसे आपको पता चलेगा कि आखिरकार मेरे को यही टाइप करनी है, तो आप क्या कर सकते हो। वेट, उससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ अपनी स्क्रीन को। एंड प्रीवियस कमांड के लिए आप अप एरो टाइप करोगे ना तो प्रीवियस कमांड आपको आ जाएगी। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिस्टम प्रोफाइल लिखना है, देन हाइफ़न लगाना है, लिस्ट डेटा एंड टाइप्स आपको ये लिखनी है, हिट एंटर। देखो इतने सारे हमारे पास लिस्ट है डेटा टाइप्स, इन सारे डेटा टाइप्स को आप सिस्टम प्रोफाइलर के साथ ही यूज़ करो, एंड देन आपको उस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको हार्डवेयर भी, देखो जो मैंने प्रीवियसली यूज़ किया था SP हार्डवेयर डेटा टाइप, आपको यहाँ पे SP हार्डवेयर डेटा टाइप देखने को मिल जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे SP हार्डवेयर डेटा टाइप है, तो इसलिए मैंने हार्डवेयर का इंफॉर्मेशन, अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप हार्डवेयर का इंफॉर्मेशन ले सकते हो। स्टोरेज का इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वाला कमांड रन करो, ठीक है, ये वाला डेटा टाइप आप रन करो स्टोरेज के अगर आपको चाहिए। ठीक है, सिमिलरली आपको अगर चाहिए फायरवॉल की या फिर फायरवॉल की, तो आप ये वाले डेटा टाइप को लगाओ सिस्टम प्रोफाइलर के साथ। ठीक है,
यहाँ पे मेमोरी डेटा टाइप की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये वाला डेटा टाइप आप यूज़ कर सकते हो। सॉफ्टवेयर की अगर आपको चाहिए, मैं चलो मैं एक सॉफ्टवेयर का भी दिखा देता हूँ, तो मैं इसको करता हूँ डिलीट। हार्डवेयर का दिखाया, अब सॉफ्टवेयर का दिखाता हूँ। सॉफ्टवेयर डेटा टाइप, तो देखो ये सॉफ्टवेयर की चीज़ें बता रही है, सॉफ्टवेयर की जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको दिखा देगी। कंप्यूटर नेम क्या है, विश्वनाथ है, यूजर नेम विश्वनाथ है, सो ये सब चीज़ें आपको दिखा दी। यहाँ पे इतने सारे टाइप्स की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अगर आप कोई डेटा टाइप ही ना दो, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम प्रोफाइलर दे दोगे, तो ये आपको सारी के सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे देगी। वो कमांड अभी मैं रन नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ऑलमोस्ट 1000 लाइन ऑफ कोड है, तो वो चीज़ आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो लैपटॉप का, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन, वेदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, फायरवॉल, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन को आप कमांड के थ्रू निकाल सकते हो। GUI पे आपको इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, सो गाइज इस वीडियो में मैं बेसिकली ट्यूटोरियल आपको डिलीवर करता हूँ, सारे एजुकेशन की चीज़ बताता हूँ। मेरी एक और चैनल है विश्वनाथ बिस्वाल, उस पर मैं व्लॉगिंग की वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ। तो सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप गाइज प्लीज़ मेरे इस वाले चैनल पे भी आओ, एंड इस पे थोड़ा सा आप गाइज अगर अच्छा लगे वीडियो तो यहाँ पे भी आप लाइक कर सकते हो वीडियोस को। सो इस वीडियो में बस इतना ही था गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, टिल देन।